प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले मशहूर नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट रहा 1804 सो ईस्वी से लेकर 1815 सो ईस्वी और नेपोलियन ने रशिया पर 24 जून 1812 सो ईस्वी पर में हमला किया था यानी फ्रांस और रशिया में कुछ तनाव तो था ही लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक रशिया का राजकुमार नेपोलियन को मिलने के लिए आया और जब नेपोलियन उसकी खातिरदारी कर रहा था तो जैसे राजाओं को आदत होती है अपना बड़प्पन दिखाने की अपनी शान दिखाने की तो नेपोलियन ने इसको इस पर प्रभाव डालने के लिए कहा इस रशियन रूसी राजकुमार को कि आप हमारे फ्रांस के जेल में जाइए और सैर कीजिए और देखिए हम कैसा उस जेल को चलाते हैं और आपके आने के कारण जिस भी एक भी कैदी को आप कहेंगे वो एक कैदी को आजाद कर दिया जाएगा तो उसके सारे दोष माफ कर दिए जाएंगे जिसको भी आप कहेंगे तो ये बात पता चली और जो रूसी राजकुमार था वो उस फ्रांस के जेल में गया और ऐसा लगता है कि कैदियों को पता चल गया कि आज में से एक आजाद हो जाएगा और उस राजकुमार ने कैदियों से बातचीत की और जिससे भी वो बातचीत करता वो कोशिश यही करता कि राजकुमार ये सोचे कि मैं यहाँ पर अन्यायी स्थिति में हूँ, मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है मैंने कुछ गलत किया नहीं था या मैंने इतना गलत नहीं किया था कि इतनी बड़ी सजा मुझे मिल जाए तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग कहानी उस राजकुमार को कहता गया लेकिन फिर उसको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो ज्यादा बोल नहीं रहा था और जब उससे बातचीत की तो राजकुमार ने एहसास किया कि यह वास्तव में दुखी व्यक्ति है और कह रहा था कि हां मेरे से अपराध हो गया था और मुझे तो जो जेल मिली है वो मेरे कर्मों के कारण मिली है और राजकुमार ने एकदम कहा मैं तेरे लिए माफी लाया हूं तुम्हारे राजा के नाम में मैं आपको आज एक स्वतंत्र व्यक्ति घोषित करता हूं और उस दिन के बाद वो व्यक्ति आजाद हो गया उसको नेपोलियन ने जेल से रिहा कर दिया यहां भी कुछ विचार मेरे सामने आते हैं मुझे याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया था धर्मगुरुओं ने और उसको रोमी गवर्नर पिलातूस के सामने लाए थे उस समय पर्व का समय था त्योहार का समय था और रोबी गवर्नर जो होता था वो उस समय किसी भी एक कैदी को आजाद कर देता था और वो कैदी जो भीड़ होती थी भीड़ की मांग के अनुसार कैदी आजाद किया जाता था तो अब चुनाव था दो व्यक्तियों के बीच में एक डाकू था बराब्बा जिसने अपने क्रांति में हत्या भी की थी और डकैती भी की थी और दूसरी तरफ प्रभु यीशु था तो धर्मगुरुओं के उकसाने पर भीड़ ने बराबा को चुना पाप रहित गुना रहित प्रभु यीशु को नहीं चुना परंतु एक डाकू और हत्यारे बराबा को चुना और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया बराबा ने अपने मन में सोचा होगा कि वास्तव में मैं तो बुरा व्यक्ति था ही यह भी बताते हैं जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो बराबा जाके उस दृश्य को देखने भी गया मैं बराबा होता तो मैं क्या सोचता कि मैंने तो ये काम किए ही थे लेकिन मेरे बदले आज ये क्रूस पर चढ़ा है अगर लोग इसको मांग लेते तो आज मैं यहां पर होता मैं क्रूस पर कीलों के जरिए झड़ दिया जाता लेकिन मेरे बदले आज ये यीशु नाजरी क्रूस पर है और क्या यही चीज मनुष्य जाति के लिए नहीं हुई कि प्रभु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों के लिए सर्वदा का एक बलिदान दे दिया एक धर्मी ने हम अधर्मियों के लिए दुख उठाया कि हमारा परमेश्वर के साथ बेल बिलाप हो जाए जब रूसी राजकुमार ने देखा कि यह व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है और दुखी है बाकी लोग यह कहना चाह रहे थे कि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है और इस व्यक्ति को पश्चाताप है जो उसने कार्य किया था वो कोई ढोंग नहीं कर रहा था है ना उसको थोड़ी मालूम था कि मेरे इस सच बोलने से मैं आजाद हो जाऊंगा वो तो सच्चे मन से उस राजकुमार को अपनी बात बताई ऐसा ही जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो दाएं बाएं दो डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे और दोनों प्रभु का मजाक बना रहे थे लेकिन प्रभु यीशु के शब्द सुनकर एक डाकू का हृदय टूट गया जब उसने सुना कि प्रभु यीशु ने यह कहा पिता इन्हें माफ कर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं तो इस डाकू का हृदय टूट गया और उसने अपने मित्र को अपने साथी को कहा मैं अपने शब्दों में हूं बस अब बकवास बंद कर हमें तो अपने कार्यों का अपने कर्मों का फल ठीक ही मिल रहा है लेकिन इस मनुष्य ने इस यीशु ने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया और फिर प्रभु यीशु से वो प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मुझे अपने राज्य में जब तू आए याद रखना और प्रभु यीशु ने कहा तू तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा तू आज ही स्वतंत्र हो जाएगा तो एक और घटना है जब एक धर्मगुरु और एक पापी महसूल लेने वाला परमेश्वर के घर जाते हैं लुका अठारह में दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए एक धर्मगुरु था और दूसरा चूंगी लेने वाला धर्मगुरु खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नहीं अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूं मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूं परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आके उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर बुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया कौन अपने घर गया वो पापी चुंगी लेने वाला जिसका जीवन बर्बाद हो गया था बहुत पैसे थे सब कुछ था ऐशो आराम था लेकिन दुखी था परमेश्वर के घर आया था अपना सीना ठोक के कह रहा था परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर जैसे रूसी राजकुमार ने उस कैदी को कहा मैं तुझे राजा के नाम में आज स्वतंत्र घोषित करता हूं तो प्रभु यीशु कहता है कि ये महसूल लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया स्वतंत्र होकर गया पाप क्षमा पाके अपने घर गया लिखा है उसकी उसकी यानी प्रभु यीशु की सब भविष्य दक्ता घवाई देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी और एक जगह जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है क्यों क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए दुख उठाया सजा उठाई और अपना लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा और जो पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है यीशु का लहू उसको शुद्ध कर देता है इसलिए उस पर विश्वास कीजिए वो धर्म बनाने नहीं आया वो तो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया जो अपने पाप ढांपता है वो सफल नहीं होगा परंतु जो मानता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा यीशु का नाम का अर्थ ही है जो पापों से बचाता है इसलिए यदि आज आप विश्वास करते हैं सच्चा पश्चाताप करते हैं यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर घोषित कर सकता हूं कि यीशु के नाम में आप स्वतंत्र हो गए क्योंकि जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा प्रभु यीशु आपको